पहले तो सबसे पहले तो देखो मेरे लिए तो ये आज अपने विश्वास के तौर पर है, तो उम्मीद करेंगे हमारा विश्वास बना रहे हैं। जी जी जी, वही बात मैंने तब बोली थी, अगर चार दिन में कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, 40 दिन में भी नहीं। हाँ 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 बिल्कुल, ये बात अच्छे से ही भी बता सकते हैं। मैंने एक ही बात पूछी थी, यहाँ पे जो दूध है क्या आप वो निकलवा सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनका एक ही जवाब था, हाँ। अगर मेहनत करेंगे तो 1-2 लीटर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि 4 टाइम में पशु का निचोड़ आ जाता है। निचोड़ तो 2 टाइम में भी आ जाता है, लेकिन अगर 4 दिन हो गए तो 8 टाइम हो गया। 8 टाइम में आप किसी के भी दूध का निचोड़ निकाल के बता, बिल्कुल एक्चुअल में कितना देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। तो आज 4 से 5 पशुधन सेल होकर के जा रहे हैं सज्जन सर के डेयरी फार्म से, और यूपी के कुछ ग्राहक जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आए हैं पशुधन लेने के लिए, और 6 से जो 7 भैंसे हैं इन्होंने सेलेक्ट करी हैं सज्जन सर के डेयरी फार्म से। तो सोचा एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से पशुपालक भाइयों को इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि न सिर्फ अच्छी और बेहतरीन किस्म का पशुधन बल्कि जायज़ से जायज़ रेट का पशुधन हमारे पशुपालक भाई न सिर्फ हरियाणा के बल्कि जो दूसरे प्रदेश के यहाँ पे आते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। किसान डेयरी फार्म में आजकल जो अच्छी खासी बुलंदियाँ रोहतक जिले का एकमात्र डेयरी फार्म छू रहा है पशुधन के मामले में, वो किसी बड़ाई से कम नहीं है, और काफ़ी गर्व महसूस होता है जब इस तरह का डेयरी फार्म से जब पशुधन निकल करके जाते हैं, तो न सिर्फ रोहतक जिले का, न सिर्फ मोखरा मदीना गांव का, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन होता है। तो आज एक बार मैं सज्जन सर से आपको मिलवाना चाहूँगा, एक बार आगे आ जाएं और थोड़ी सी जानकारी है सज्जन सर से जरूर लेना चाहूँगा। नमस्कार सज्जन सर, बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो कितने पशुधन आज जा रहे हैं? 7 पशुधन जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो पीछे जो सिलेक्शन है भाई का, और एक एक करके मैं डिटेल्स पशुधन की भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो बायर्स आए हैं उनसे मैं मिलवाना चाहूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया है। बढ़िया हो तो कितने पशुधन आपने खरीदे हैं यहाँ से? हमने 5 खरीदे हैं। 5 खरीदे हैं। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, कहाँ से आए हो? यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन पड़ता है हमारा, ठीक है, और ब्लॉक माधोगढ़ पड़ जाता है, ग्राम अटा गाँव। ब्लॉक माधोगढ़ और गांव कौन सा है? आटा गांव। आटा गांव, ठीक है। तो पहले भी कभी पशुधन यहां से लेकर के गए हैं हरियाणा प्रदेश से? पहले सुना था। सुना था, ठीक है। गए हैं हमारे क्षेत्र में यहां से, एक आध बार गए हैं तो देख के, उन्हीं को देख करके हम लोग आए। सबसे पहले आप ये बताएं क्या करते हो, डेयरी का काम है अपना या खरीद बेच का काम है? वहाँ पे पशुधन जो लेके जाएंगे क्या करेंगे? हम लोग दूध देते। अच्छा, दूध बेचते हो, तो क्या भाव दूध बिकता है वहाँ पे? दूध वही 40-35 से लेके 40 तक, 35-40 रुपए लीटर। फिर भी ठीक ठाक बचत जो है, हाँ, बचत गुजारे के लायक हो जाता होगा जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, पशुधन आपने खरीदा है कैसा, जो दूध वगैरह दिखाया, संतुष्ट हो आप? हाँ, दूध से संतुष्ट। दूध से संतुष्ट हैं, बढ़िया है। तो सज्जन सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक बार विस्तार से थोड़ा सा जरूर बताएं, मैं जानना चाहूंगा आपसे। ये बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, सज्जन आदमी लगे, विश्वास पात्र लगे, ठीक है, झूठ कम बोलते हैं जी, और आदमी को संतुष्ट करते हैं। जी जी जी, प्रबंध भी अच्छा किया, हम लोग आए हैं। अच्छा, तो कितने दिन से आप यहाँ पे सज्जन सर के यहाँ पे रह रहे हो? चौथा दिन है। खाना पीना, रात को जो व्यवस्था थी रहने की, वो बिल्कुल सही थी? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो कब लेके जा रहे हो पशुधन? आज ही आपका लोड होगा? शाम को लोड होगा। कितनी देर का रास्ता है? रास्ता तो दूर है, लगभग सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। अच्छा, कल मतलब अगर आज चलोगे तो रात और कल, रात और कल सुबह 11 बजे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। पहले जो भैंसे आप कभी यहाँ से लेके गए हो हरियाणा प्रदेश से, तो 400 से 500 किलोमीटर का जो आपका सफर रहता है उसमें पशुधन को थोड़ी सी तकलीफ तो देखिए होती है, क्योंकि गाड़ी में बैठ करके वहाँ तक जाता है, किसी तरह की कोई समस्या या फिर इतनी दूर जो पशुधन आप लेकर के जाते हो क्या कुछ आपके इंतजाम होते हैं जिससे
पशुधन में दूध भी उतना ही मिले, ना किसी तरह की थकावट, ना किसी तरह की हरारत वो महसूस करे, वो एक बार बताएं। ये तो ऐसा है कि जब हम लोग जाते हैं रेस्ट देते हैं गाड़ी पे। जी अच्छा, रास्ते में रुकते हो? रास्ते में रुकते हैं। ठीक है, रुकने के बाद दूसरा स्टेप फिर हम घर पे लेते हैं। जी, और दो दिन तक जानवर को सुविधाएं देते हैं। सुविधाएं देते, क्योंकि दूध कम हैगा, बिल्कुल खाएगा नहीं तो दूध कम हैगा। कम, बिल्कुल। दो या तीन दिन उनको बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है, अच्छा भोजन जी केवल दे दिया थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है चौथे पांचवे दिन से दूध लागू हो जाए, ठीक है, अच्छा दूध देने। तो ये आप देख सकते हैं जो दूर दराज के जो क्षेत्र से जो पशुपालक आते हैं पशुधन खरीदने के लिए, उनके लिए एक रेफरेंसिक तौर पे ये जानकारी है, ताकि जब वो पशुधन लेके जाएं तो क्या क्या जो सावधानियां बरतनी चाहिए, और उसी को विस्तार में सर ने काफ़ी अच्छा खासा समझाया है। उम्मीद करूंगा आप ज़रूर ध्यान करेंगे। तो बाबा का क्या नाम है, आपके साथ ही आए हैं? नाम बताइए अपना। क्या नाम है बाबा आपका? अनंतराम। अनंतराम, और कितने टाइम से काम कर रहे हो ये? बचपन से काम कर रहे हैं। बचपन से काम कर रहे हो? 15 साल। अच्छा, ज्यादा हो गई। जितनी भैंसे दिखाई सब सही हैं? नहीं, देते हरियाणा में। अच्छा, थोड़ा ऊंचा सुनता है, मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, कम सुनता है, और इसी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं समझूंगा। तो आप यहाँ से सर पशुधन लेके जा रहे हैं, कभी और किसी पशु यहाँ से हरियाणा में कहीं किसी और जगह से आपने कभी पशु खरीदा है, या पहली बार आप आए हो? खरीदा है, आप बता दो, कोई बात नहीं, बाबा को परेशान मत करो। हाँ जी सर, बताएं क्या नाम है आपका? महेश चंद। ठीक है, कभी पहले भी आप पशु यहाँ से लेके गए हो? हिसार से परसाल लिए थे। ठीक है, और सिरसागंज से लिए। सिरसा से लिए, और झज्जर के मेला से लिए। अच्छा, बहुत जगह से जानवर खरीदे हैं। तो जितने भी पशुधन लेके गए हो सारे सही मिले? किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई कंप्लेंट? नहीं, अच्छे जानवर कड़े दूध देने वाले। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। तो आप सारे मतलब जितने भी आज आए हो इकट्ठे आए हो एक पशुधन लेने के लिए, ठीक है, एक ही गांव से हो? एक ही गांव से, अलग अलग और अठक गांव। अच्छा, पास पड़ोस के जो? पड़ोस से ही, ठीक है, नजदीकी गांव से ही, आप देख सकते हैं। सज्जन सर से मिलवाना चाहूंगा। नमस्कार सज्जन सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो गर्मी आज तो नहीं है इतनी जितना आप पूरा? अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेंडो बनियान में पहली बार वीडियो ऐसा था कि पशुओं भी जला के लाके सारे भीगे हुए थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो कुछ पशुपालक भाई आए हैं, इनको कैसा पशुधन उपलब्ध कराया, एक बार थोड़ी सी जानकारी? आपके सहयोग से है? नहीं, मेरा तो सर सहयोग नहीं है, एक मंच मुहैया कराया आप लोगों की मेहनत। इन्होंने देखी है, गुजारी जी हैं। पहले तो सबसे पहले तो देखो, मेरे लिए तो ये आज अपने विश्वास के तौर पर, तो उम्मीद करेंगे हमारा विश्वास बना रहे। जी जी जी। और कोशिश ये रहेगी जो भी पशुधन इन्होंने लिया वो वहाँ जाके एक अच्छा रिजल्ट दे। जी बिल्कुल। और जो पशु इन्होंने खरीदा मालिक की दया से अभी भी अच्छा ही है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह का ऑर्डर है या जो आज दूध के एट परसेंट की पोजीशन है वो अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट के हिसाब से देखे तो रेट भी मेरे ख्याल से बढ़ी आई है, क्योंकि छोटी सी बात बोलनी चाहिए पर बोल देते हैं। अगर 4 दिन तक भी बंदा सेटिस्फाई नहीं होता तो वो 40 दिन तक भी नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और रेट की छोटी सी बात और बता देते हैं। हाँ। ये भाई परसों आए थे मेरे पास, ठीक है, कल हिसार भी घूमे हैं, ठीक है, लेकिन रेट का जो आपने बोला कि एक जायज रेट आप रखो, उस जायज रेट के भी आप पे दोबारा मेरे से आए हमें, और वो विश्वास इनका और मेरा बना रहे, कोशिश सिर्फ। तो सर हिसार भी पशु देख के आए, वहाँ पे क्या कुछ रेट वगैरह में कितना अंतर मिला, कैसे पशु मिले, एक बार वो मैं जरूर थोड़ा सा जानना चाहूंगा। पर देखे थे जानवर मुझे पसंद नहीं आए। पसंद नहीं आए, ठीक है, तो हम वापस चले आए। हाँ, रेट वगैरह कैसा था वहाँ पे? रेट मतलब हमें पसंद ही नहीं आया ना हमने रेट। अच्छा, रेट आपने पूछा नहीं, ये आप देख सकते हैं। डेयरी में देखे सब डेढ़ डेढ़ महीने के जानवर बियाने हैं। हाँ हाँ जी, डेढ़ महीना दो महीना, तो हमने कही हम नहीं लेंगे, हम तो 2-4 दिन बाद ले लेंगे, 2-4 दिन का बयाना है जी। जानवर हमारे ऐसे ही है। जी जी, तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आप हरियाणा प्रदेश में आते रहें, अच्छा और उमदा किस्म का जो पशुधन है वो लेकर के जाते रहें। अब जो आपका पशुधन है एक बार मैं जरूर अपने पशुपालक भाइयों को वीडियो के माध्यम से कवर करके दिखाना चाहूंगा। तो सज्जन सर क्या कुछ डिटेल्स हैं, शुरू करेंगे यहां से, बताएं एक बार। कोई तो फिर पहुंचा नहीं है भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मालिक की बदौलत इसका इतना ऑर्डर है जो दूध की है, ठीक है। पहले मैं इधर से आपको कवर करवाना चाहता हूँ। जी, ये देखो जो अपनी सूझबूझ से मैंने लिया अपना करके इनको दिया है, ठीक है, कैसे छेड़ो, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी जी, जबरदस्त चुवाई में अच्छी है, ठीक है, जो बताया गया वो बताया गया इसका 20+ का, ठीक है,
मैंने उम्मीद मानी कि अगर ये 19 में दे देगी तो ये मेरे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी उम्मीद पे मैंने इनको दिया। ठीक है, और रेट भी बता देता हूँ, बाकी खोल के बताऊँ क्योंकि एक दो भाई को वहाँ जाके सेल करनी है। ये सारे पशु 1,00,000 से 15,00,000 के अंदर है। 1,00,000 रुपए से लेकर के 1,15,000 तक की जो रेंज है, 17,000 की है, 1,15,000 की जो रेंज है वो इन्होंने देखी है। पशुधन एक बार ये आप देख सकते हैं, शांत स्वभाव है, हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा किसी किसी पशुधन में देखने को मिलता है। जी ये आप देख सकते हैं, जो अडर की क्वालिटी है मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। ये आप देख सकते हैं पूंछ में जरूर यहाँ पे थोड़े से सफेद बाल हैं, और ये लेवटी आप देख सकते हो, जो तरीका है, जो स्वभाव है, ये आप देख सकते हैं काफी शांत स्वभाव। तो कौन सा ब्यात है, क्या कुछ डिटेल्स? चौथा ब्यात, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा खोल के चला के दिखाएंगे सर, क्योंकि इस तरह का पशुधन कभी कभी देखने को मिलता है। और वही बात, हर बार वो 3 दिन के बाद फिर आपको बुलाया जाएगा। वो मैं जो मेरी सेकंड टाइमर जो होती है आपकी वीडियो से भी की थी, मैंने प्रेग्नेंट दी थी 18 लीटर बोल के, हाँ हाँ, मालिक की दुआ से उसने कल 1900 तोला है। अच्छा, गांव के सरकारी हॉस्पिटल में। तो वो सेल उन्होंने करी नहीं? करेंगे भी नहीं भाई, करेंगे नहीं। ये आप देख सकते हैं एक भारी भरकम शरीर का जो पशुधन आपने 1,00,000 रुपए में उनको लगवा चुका हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास से बिक के गई थी 1,26,000, 1,26 की, ठीक है। तो कुछ पशुधन हो जाते हैं जो जान से भी प्यारे होते हैं, उनको सेल करने का जो पशुपालक भाई हैं उनका कोई मूड नहीं रहता। बाकी पशुधन आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी हैवी बॉडी वेट में अच्छा खासा जो पशुधन है वो देखने को मिला। ठीक है, बांध दीजिए, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा लंबा मैं खींचना नहीं चाहूँगा इसको। और 2 से 3 पशुधन, एक बार इनकी क्या कुछ डिटेल्स हैं सर वो बताएं। ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, ठीक है। मालिक ने बताया 17 लीटर दूध, 17 लीटर। ब्याज कौन सा है? थर्ड ब्याज, ठीक है। हाँ, ये आप देख सकते हैं काफी हैवी बॉडी वेट में, और ले इसलिए ये इसके 10 दिन बाकी है। ठीक है, स्वभाव वगैरह इसका भी बहुत ठंडा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव है, जो अडर है काफी अच्छा खासा, हालांकि पूछ यहाँ पे जरूर कटी हुई। छोटे पाउच का दूध, अच्छा मिनी बफलो, जाग मार के ठंडा भी करेंगे तो अभी 6 लीटर दूध है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, काफी अच्छा खासा काम कर रहे हैं पशुधन को लेकर के। तीसरे ब्यात का पशुधन है, कलर ऐसा है भैया कहीं कहीं मिलता है बिल्कुल, जो स्किन है स्किन में अच्छी खासी चमक यहाँ पे देखने को मिली, और अच्छा खासा पशुधन है। ठीक है सर, रहने दो, खोल के मत चलाओ, कोई बात नहीं। और एक और है क्या कुछ डिटेल्स है? सेकंड टाइमर, ठीक है। आज इसका 2 दिन बाजे के सामने निकला था, 10 बजे दिलवाई है इनको। हाँ ठीक है, 10 लीटर दूध है, 4-5 दिन की ब्याई है, 4-5 दिन की ब्याई में आप देख सकते हो। ठीक है, ये घर से बाहर से निकली है भाई अभी तक, चेहरा मोरा काफी अच्छा खासा सुंदरता के साथ। एक और पशुधन, क्या कुछ डिटेल्स हैं? सेकंड टाइमर है, सेकंड टाइमर, ठीक है। चिक बोल दो, गोला बोल दो, हाँ हाँ, बाकी और हमें पता नहीं कितनी भाषा में। जी जी जी, उससे खाली है ये आप देख सकते हैं पशुधन, हाइट लेंथ काफी अच्छी खासी। तो 6 से 7 पशुधन का जो लोड है, एक भाई ने लिए हैं जी, दो एक भाई ने लिए और एक और शायद हो जाए, तो इनकी कुल मिला के लमसम 7 या 8 बैठ जाएंगे, 7 या 8 बैठ हाँ। जाएंगे, ठीक है। तो एक लोड कम्प्लीटली तैयार होके उत्तर प्रदेश, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, कई बार जी वही बात मैंने तब बोली थी, अगर 4 दिन में कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, 40 दिन में भी नहीं। हाँ 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 बिल्कुल, ये बात अच्छे से भी बता सकते हैं। मैंने एक बात पूछी थी, यहाँ पे जो दूध है क्या आप वो निकलवा सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनका एक ही जवाब था, हाँ। अगर मेहनत करेंगे तो 1-2 लीटर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि 4 टाइम में पशु का नीचे चोर आ जाता है। चोर तो 2 टाइम में भी आ जाता है, लेकिन अगर 4 दिन हो गए तो 8 टाइम हो गया, 8 टाइम में आप किसी के भी दूध का निचोड़ निकाल के बता, बिल्कुल कितना देगी। जी जी बिल्कुल सही बात। और तो ये पशुधन सारा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर किसी पशुपालक भाई को इस तरह का लोड जायज से जायज रेट में अगर मंगवाना है, या वो भी चाहते हैं अच्छी और बेहतरीन किस्म का जो पशुधन है वो आपके घर में या आपके डेयरी फार्म पे आए, तो सजन सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, इनसे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।